बहुसंख्यकों की सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर पसमांदा समाज के लोगों पर इतना फोकस क्यों कर रही है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम मंचों से पसमांदा समाज को हक अधिकार दिलाने की बात भी कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजपथ के जरिए से आए अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी है, जिनको योगी सरकार पार्ट टू में बतौर मंत्री पद में जगह दे रही है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी किसी राजनीतिक दल की स्थिति साफ नहीं है, लेकिन लगातार चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लगातार जो अल्पसंख्यक वोटर है उन्हें रुझाने के लिए तरह तरीके के सम्मेलन कर रही है, ताकि जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं एक बार उनके खाते में आते नजर आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का प्रयास इस मंत्र पर काम कर रही है और इसमें कामयाबी मिल रही है। इसमें सभी वर्ग को जोड़ा जा रहा है और सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। निश्चित रूप से निकाय चुनाव में सभी साथ रहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2022 में मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, तो उससे जो है मुसलमानों का भी जो है एक रुझान देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी जो पहले की धारणा थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। और दोबारा से सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का फोकस पूरी तरीके से अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक में खास तौर पे जो पसमांदा समाज है, जिनको कहा जाता है दबे कुचले, उनके ऊपर खास तरीके से फोकस है। इसके लिए लगातार वो मदरसों को मॉडल बनाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कालीन के व्यवसाय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने के लिए तरह तरह के सम्मेलन करने की तैयारी में है। और यही नहीं, निकाय चुनाव में अल्पसंख्यकों को टिकट देने की भी बात कर रही है। विपक्षी दलों को इस बात की चिंता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अल्पसंख्यक वोटर है उन पे कहीं ना कहीं सेंधमारी न कर ले, जिसका सीधा असर आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। पसमांदा समाज पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है और जो मुस्लिम पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी सब साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है जनता को गुमराह करने के लिए, जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए इस तरह का बयान देती रहती है। और जो पसमांदा समाज की मीटिंगें हुई हैं उसमें कुछ लोग जो है उस समाज के थे, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो बैठ जाते हैं और वो सम्मेलन होता है। कहीं पर किसी भी पसमांदा समाज की जो मांगे हैं, अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक वोटरों पर सेंधमारी कर पाती है या फिर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नतीजे सामने निकल कर आए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश।